I'm so nervous today. You know, just a day ago, I came to know from my colleague that there's presentation in the office and I am the first one to present. लोगों के सामने के सोचने के से ही ना डर शुरू हो जाता है. Like my hands get shaky, get sweaty. मेरी जो breath है वो बहुत shallow हो जाती है. आपको भी ऐसा feel होता है जब आपको कोई बोलता है कि आपको stage पर जाकर बोलना है या इतने सारे लोग हैं उनके बीच में जब आप कहीं परफॉर्म कर रहे हो या कुछ बोलने जा रहे हो तब वैसा डर. क्या आप ऐसा फील करते हैं? वेल, अगर ऐसा फील करते हैं तो पहली बात मैं आपको बता दूं, इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील सो. अब तक मेरी लाइफ में मैंने ऐसा दो बार फील किया है दैट आई एक्चुअली वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस कि कोई मुझे ले जाओ, मुझे कोई छुपा लो, मैं यहाँ नहीं बोल सकती. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैंने वहाँ पर बोला और सिर्फ बोला ही नहीं, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. तो अब तक मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जहाँ पर मुझे बोलना पड़ा है वहाँ से मैंने क्या समझा है कि जब आप स्टेज पे जा रहे हैं आपको कैसा फील करना चाहिए या आप कितने लोगों के सामने बात कर रहे हैं वहाँ कैसे आप निडर होके अपनी बात रख सके या कुछ भी बोल सके. ये सब जो मैंने सीखा है ना, ये सब आज मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी. तो मेक श्योर मेरी वीडियो आप अच्छे से देखें एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट सजेशंस एंड टिप्स फॉर एवरीवन आउट देयर जो आप रेगुलरली अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में. ट्रस्ट मी, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा. डर लगता है, ज़रा सा लगेगा, लेकिन वो डर ऐसा होगा कि उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे. तो चलो शुरू करते हैं मेरी आज की इस वीडियो से. और अगर आपको मेरी वीडियो कहीं भी अच्छी लग रही हो आप उसे लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन सब लोगों तक शेयर करें जिनको ये सीखने की समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो इस वीडियो में बिगिनिंग में मैं आपको स्टोरीज के थ्रू पॉइंट्स कुछ दिखाना चाहती हूँ. वो स्टोरीज मुझसे ही रिलेटेड हैं, मेरी लाइफ से रिलेटेड हैं, हाउ आई ओवरकेम माई सच फियर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो चलिए शुरू करते हैं. मेरी पहली जॉब में वेयर आई वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी पहली जॉब थी और सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था. कुछ दिन के बाद वी ऑल टीचर्स केम टू नो दैट वी हैव टू गिव प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ आर सीनियर प्रोफेसर्स. अपनी ही फील्ड से कोई जुड़ा हुआ और वहाँ पे सीनियर प्रोफेसर्स भी थे, वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बैठने वाले थे. तो जब ये बात मैंने सुनी मैं बहुत डर गई. तो मैंने क्या किया, डर की तरफ फोकस नहीं किया. तो मुझे आज भी याद है मेरा टॉपिक यही था, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस. आई हैड वन वीक, उस वन वीक में मैंने पूरी मतलब आई पुट ऑल माई एफर्ट्स, मैंने बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट क्रिएट किया. दूसरा मेरे विजुअल एड्स जो मुझे वहाँ प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन रन करना था वहाँ पर मैंने आई मेड श्योर कि दोज ऑल विजुअल एड्स वर रियली इफेक्टिव, दे वर इन ऑर्डर. तो सारी चीज़ें बेसिकली मैंने बहुत अच्छे से सेट करी, अपनी स्पीच की बिगिनिंग, एंडिंग, मिडिल पार्ट, कहाँ मुझे जाना है स्टेज पर, कहाँ खड़े होना है, एवरीथिंग वॉज सेट. तो जब ये प्रिपरेशन करी और जब वो दिन आया प्रेजेंटेशन का, आई वॉज नॉट स्केयर्ड एट ऑल. क्या चीज़ है जिसने मेरा डर कम कर दिया, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, वो थी मेरी प्रिपरेशन. तो आपके लिए भी सबसे पहला लेसन ये है कि जब आपको पता हो, एडवांस में ही जब आपको पता है कि कोई ऐसे इवेंट आने वाला है जहाँ पर आपको स्टेज पर जाना है या कहीं ऐसी जगह पर रहना है जहाँ आपको कई लोगों के आगे खुद को प्रेजेंट करना है, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखो. जब आप प्रिपेयर्ड होते हो ना, आप अंदर से ही कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो. प्रिपरेशन करो और उसको प्रैक्टिस करो. तो ये था हमारा पहला पॉइंट इस पहली स्टोरी से. सेकेंड स्टोरी, देयर वॉज एन इवेंट इन आर यूनिवर्सिटी. वहाँ पर बहुत सारे फील्ड के स्टूडेंट्स और बाहर देशों से, बाहर की कंट्री से वहाँ आए थे खुद को प्रेजेंट करने, खुद के कॉलेजेस को प्रेजेंट करने. और वो कुछ कल्चरल फेस्ट था, इट वॉज बेसिकली कल्चरल फेस्ट. तो वो अपने आप को कुछ भी वहाँ परफॉर्म करने आए थे. तो सब प्रोफेसर्स को, सब टीचर्स को वहाँ पर ड्यूटीज अलॉट हुई थी. सो वट वॉज माई ड्यूटी, आई वॉज एट द बैक स्टेज.
I had to manage everything, that you know everything was perfect at the backstage और सब लोग time से आके perform कर रहे हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है. So मेरा सारा काम वही था. Suddenly what happened, my colleague and friend who was handling the stage, जो main anchor थे वहाँ पे, handle कर रहे थे stage को, he came to me, मुझे mic पकड़ाया और चले गए. फटाफट मैं क्या बोल गई, सुरभि मैम मुझे वाइस चेयरमैन मैम ने बुलाया है, आई हैव टू रश, मुझे जाना है, आप प्लीज हैंडल कर लो, 10 मिनट की बात है. चले गए. एंड मैं आई कैन टेल यू द फीलिंग, आई वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस. जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था, वीडियो की बिगिनिंग में, आई वॉन्टेड टू रन अवे. सो दैट इज दिस सिचुएशन व्हेन आई वॉन्टेड टू रन अवे. पर मेरे पास कोई ऑप्शन था? नो ऑप्शन. तो मैंने क्या किया, झट से मैंने कर्टेन हटाया. मैं बैक स्टेज पे थी, मैंने कर्टेन हटाया. आई लुक एट द ऑडियंस, सब टीनएजर्स थे, 17, 18, 16, 19 इस एज के. तो मैंने अपनी ऑडियंस को एनालाइज कर लिया, ये सब टीनएजर्स हैं, राइट, तो इनके आगे मुझे एंकरिंग करना है, ओके फाइन. और सेकेंड चीज मैंने क्या सोची, उस वक्त रियलिटी शोज दे वर इन ट्रेंड, आज भी ट्रेंड में है, बहुत आते हैं रियलिटी शोज, डांस शोज, सिंगिंग शोज, ऐसे कुछ. तो उस वक्त मैंने सोचा वो लाइंस के बारे में जो यूजुअली टीवी पे एंकर्स यूज करते हैं, यूज सम काइंड ऑफ सेंटेंसेस टू कनेक्ट वेल विद द ऑडियंस. तो झटपट से मैंने कुछ बातें ऐसी सोच ली उन एंकर्स के बारे में जो वो यूज करते हैं. तो चलो आई थिंक एक आधा मिनट रह गया था, मैंने लिस्ट देखी नेक्स्ट लाइन में जो भी आने वाले हैं टीम, तो उनके बारे में देखा पड़ा. एंड जब मैं स्टेज पर गई, आई स्टिल डोंट बिलीव दैट थिंग, बट आई रॉक द स्टेज. मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया माइक पे. इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, हियर फर्स्ट आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. हम जब बोल रहे होते हैं किसी के सामने, या बोलने जा रहे होते हैं, या कुछ परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, व्हाट आर वी स्केयर्ड ऑफ? इफ यू नोटिस, वी आर स्केयर्ड ऑफ आर ऑडियंस, वी आर स्केयर्ड ऑफ दैट पब्लिक. वो हम सोचते हैं कि अरे अगर कुछ हमसे गलती हो गई, और वी एंड अप डूइंग समथिंग स्टूपिड, सो वी मे गेट द ब्रिकबैक्स फ्रॉम आर ऑडियंस, दे मे रिडिक्यूल अस, दे मे लाफ एट अस, एंड ब्ला ब्ला, बहुत कुछ सोच लेते हैं अपनी ऑडियंस के बारे में, राइट? That is the main point, जहाँ पर आपको डर आता है. लेकिन ऐसा क्या हो अगर आप अपनी audience से ही दोस्ती कर लोगे, जैसे मैंने मेरी second story में किया. The thing I did was to build a connection with my audience. I still remember कि वो connection, वो bonding इतनी अच्छी बन गई थी कि वो मेरे साथ साथ like they were laughing, they were enjoying, they were being entertained. Well, यहाँ पे मैं जब कनेक्शन की बात कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में एक बहुत अच्छे स्पीकर आ रहे हैं. हम सब उनको जानते हैं, मोस्टली सबने उनके बारे में सुना है. द नेम इज संदीप माहेश्वरी. वेल, ही इज नोन फॉर हिज दैट नीश कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं. बट अदर देन दिस, अगर आपने नोटिस किया हो, उनका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, ही नोज वेरी वेल हाउ टू कनेक्ट विद हिज ऑडियंस. वो चाहे छोटे हॉल में, चाहे 10 लोगों के साथ बैठे होंगे, चाहे वो 1000 लोगों के साथ है, ही नोज हाउ टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. ही नोज वट ऑडियंस वॉन्ट्स टू लिसन फ्रॉम यू. ये एक स्किल है, और ये मैं कहूँगी कि एक दिन की बात नहीं है, टाइम लगता है जब आप प्रैक्टिस करते हो. उसके पॉइंट पर भी मैं बाद में आऊँगी. बट येस, जब ऑडियंस आपकी दोस्त बन जाएगी, आपको डर ही नहीं होगा, एंड आपको कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल होगा. सो नो योर ऑडियंस रियली वेल. मूविंग ऑन टू माय लास्ट स्टोरी. यू नो, मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस, माय फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस वाज व्हेन आई वाज इन ग्रेड 4. एनुअल फंक्शन था हमारे स्कूल में, उसके लिए परफॉर्मेंस क्या था, इट वाज अ ग्रुप डांस. तो मुझे आज भी वो मेमोरीज मेरे माइंड में हैं, अभी भी हैं, कि कैसा वो सीन था जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते थे. लेकिन मेरी मेमोरी में एक चीज़ नहीं है कि मेरे सामने लोग कौन थे. आई डोंट रिमेम्बर. और यू नो, थर्ड पॉइंट यही है, फॉरगेट अबाउट द पीपल, फॉरगेट अबाउट व्हाट पब्लिक विल से, बट फोकस एट योरसेल्फ. यू शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अटेंशन, जो भी बोल सकते हो. द थिंग इज कि हम लोग हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. एज अ रिजल्ट, हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं, भले ही हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी होगी. यू शुड बी द सेंटर, बट नॉट द पीपल अराउंड यू.
सो ये तो हमने समझ लिए हमारे क्रूशियल 3 पॉइंट्स. अब मेरे पास हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स, सजेशंस, कुछ भी बोल सकते हैं, जो आप अभी से अप्लाई करना शुरू करेंगे. इफ यू स्टार्ट अप्लाइंग इट नाउ, यू विल बी रियली कॉन्फिडेंट स्पीकर. डोंट वेट फॉर दैट गाला डे टू कम इन टू योर लाइफ. आप अभी से शुरू करो, बोलने की शुरुआत अभी से करो. देर आर पीपल जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं या उनको वैसे ही लोगों के आगे कुछ बोलना नहीं आता या वो डर जाते हैं. सो गाइज, मेरे पास आपके लिए सजेशन ये है, अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल में आप बोलना शुरू करें. जहाँ पर मौका मिलता है स्पीक अप, जहाँ पर टीचर आप किसी को पूछ रहे हैं कि हु विल स्पीक इन द क्लास, हु विल रीड इन द क्लास, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू रीड इन द क्लास, राइट? और चाहे कोई भी ओकेजन हो, वट आई से डू नॉट लीव एनी अपॉर्चुनिटी अनटर्न्ड व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग. सेकेंड पॉइंट इज कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर इमोशंस. सारा खेल मुझे लगता है हमारे माइंड का है. बहुत ईजी है आपके लिए टू थिंक नेगेटिव, टू थिंक कि आई एम स्केर्ड, आई वोंट बी एबल टू डू दिस, आई वोंट बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, व्हाट विल पीपल थिंक. ये जो सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं ना, आई विल से नेगेटिव अफर्मेशन हैं, कि देना बंद कर दो. जिस मोमेंट पे ऐसा हो रहा हो, अपना फोकस दूसरी तरफ लगाओ कि ओके, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड सेकेंड कि यार चैलेंजिंग है, मज़ा आएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो ये ज़रूर करो. और तीसरी टेक्निक, ब्रीद. यस, ब्रीदिंग टेक्निक को नेवर अंडर रेट दिस टेक्निक. दिस हैज हेल्प मी इन सेवरल सिचुएशन. अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आप डरते हो ना, आपकी ब्रीदिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, या तो बहुत हैवी ब्रीदिंग होती है या बहुत शैलो हो जाती है, या तो ब्रीदिंग ही नहीं हो रही होती. आई मीन आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ब्रीद करने के लिए. सो काम योर सेल्फ डाउन, अपनी ब्रीदिंग को पहले नॉर्मल करो. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाओगे और जब सामने जाने का टाइम आएगा, तब आप नहीं डरोगे. सो ब्रीदिंग टेक्निक, इस पर ज़रूर फोकस करें. सो दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा. लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कोई ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोज़ में लेकर आऊँ. आई विल रियली अप्रिशिएट दैट. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. सो गाइज, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तरह